दोस्तों अक्सर आपने जो है पंछियों के झुंड को जो है वी शेप में उड़ते हुए जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों पंछियां अक्सर जो है वी शेप में ही क्यों उड़ती हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए जब कोई चिड़िया अपने पंख को जो है फड़फड़ाती है तो उसके पंखों के सिरों से जो है भंवर या जो है भंवर जैसी लहरें उड़ती हैं। इन लहरों के ठीक पीछे की हवा जो है नीचे की ओर जाती है और इनके किनारों की हवा जो है हमेशा ऊपर उड़ती रहती है। जब कोई दूसरी चिड़िया ऊपर उड़ती हुई हवा के क्षेत्र में उड़ती है तो उसे उड़ने के लिए जो है कम ताकत लगानी पड़ती है। इस प्रकार झुंड में उड़ती सारी चिड़िया जो है एक दूसरे से तालमेल बिठाकर जो है इस प्रकार में उड़ती हैं और अपनी ऊर्जा का जो है संरक्षण करती है। इस प्रकार जो है पीछे उड़ने वाली चिड़ियों के लिए जो है उड़ना आसान हो जाता है। पंछियों पर किए गए अध्ययनों से जो है पता चलता है कि इस आकार में जो है पीछे उड़ने वाली चिड़ियों की जो हृदय गति है सामने उड़ने वाली चिड़ियों के अपेक्षा जो है कम होती है। इससे यह भी जाहिर होता है कि चिड़िया अपने झुंड के कमजोर सदस्य को जो है पीछे कर देती है ताकि कमजोर चिड़ियों को जो है उड़ने में आसानी हो। इस प्रकार जो है उड़ने वाले प्रवासी पक्षियों को जो है हजारों किलोमीटर उड़ने में जो है आसानी होती है। आगे वाले पक्षी जो है थक जाने पर पीछे चले जाते हैं और पीछे वाले पक्षी जो है उनका स्थान ले लेते हैं। इस तरह जो है इसे वी शेप में जो है उड़ने के कारण जो है वे लंबी दूरी जो है कम समय में और कम ऊर्जा में जो है तय कर लेते हैं। और आपने तो देखा ही होगा दोस्तों कि जहाज का भी आकार जो है चिड़ियों के जैसा ही बनाया जाता है और पंख भी वैसे वी शेप में ही रखे जाते हैं। जान के आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।